प्राइम न्यूज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेजबान ताबिंदा अनवर। नाज़रीन, 14 अगस्त का दिन है आज और पाकिस्तान को बने हुए 76 साल हो चुके हैं। इन 76 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया, हमने क्या नई तंजीम साजी की, हमारी जो पार्टीज आई और जिनका अभी जो अभी इक्तदार में है और जो इक्तदार का जो एक टेन्योर है वो पूरा करके चली गई, उन्होंने क्या किया, और जितने भी पार्टीज आई उनका एक स्लोगन था, नारा था, सबका एक ही नारा था। वैसे अगर थोड़ा सा अगर इस पर गौर करें तो हर पार्टी जो है उसका यही नारा था कि अवाम को फैसिलिटेट किया जाए रोटी कपड़ा और मकान। और क्या उस रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरियात को पूरा किया गया? क्या जो वो एम लेकर आए थे उन्होंने अपने एम्स को पूरा किया? क्या अवाम इससे सहूलत मुस्तफीद हुई, कोई सहूलियात उनको मिली या फिर भी कोई फुकदान रहा? तो इन सारी बातों पर बात करने के लिए और कायदे आज़म जिनकी काविशों से, जिनके एक मुहिब्बुल वतनी के जज्बे से ये पाकिस्तान हमें मिला और कायदे आज़म का जो एक कानून के साथ गहरा ताल्लुक था और वो कैसे कानूनदान थे, उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी और प्रोफेशनल लाइफ उनकी कैसी थी, इसके बारे में जानने के लिए ये तमाम सवाल जो हैं ये हमारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनका शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जी नुसरत जमशेद साहिबा, नून लीग की सिटी सदर की वुमेन विंग की ये सदर हैं और खुश आमदीद कहते हैं आपको, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ हैं एडवोकेट मियां अब्दुल सत्तार, हाई कोर्ट के वकील हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शामिल हुए। और मैं चाहूंगी कि सबसे पहले जो प्रोग्राम का आगाज है सवाल का, वो कायदे आज़म से ही बनता है क्योंकि ये मुल्क जो है वो उनकी ही देन है, उनकी काविशों और मोहब्बत का ये नतीजा है। तो मुझे ये बताइएगा कि कायदे आज़म का जो प्रोफेशन था वो वकील थे प्रोफेशन के हिसाब से, तो वो किस तरह के वकील थे? इसमें बात यह है कि कायदे आज़म की शख्सियत जो कि हमें पाकिस्तान से पहले जब कायदे आज़म ने वकालत का आगाज़ किया, एज ए प्रोफेशन जो है ना, उन्होंने वकालत को अडाप्ट किया। बम्बई से उन्होंने वकालत का अपने जो इब्तदाई पीरियड था वकालत का, वो बम्बई से ना, बम्बई से जो अभी मुंबई है उस वक्त बम्बई होता था, उधर से उन्होंने अपनी वकालत का आगाज किया। शुरू में कोई भी प्रोफेशन हो उसमें मेहनत करनी पड़ती है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू के दिन जो है ना वो काफ़ी अपने प्रोफेशन के साथ कमिटेड हो के उसमें मेहनत की। एक दो वाक़यात मैं उनकी ज़िंदगी का यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि जब उन्होंने वकालत के प्रोफेशन को शुरू किया तो उन्होंने उस वक्त एक रेजिडेंशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं इसमें उन्होंने वो नया मुलाजमत अख्तियार की, तो रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट होते थे उस वक्त जो है ना प्री पार्टीशन। तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वो दो जो है उसमें वो एज ए मजिस्ट्रेट जो है ना वो अपने जो है ना वो नौकरी को कर लिया। उनकी माहवार तनख्वाह थी 1500 रुपये, उस वक्त उनकी माहवार तनख्वाह 1500 रुपये थी और जॉब का जो दुरानिया था मजिस्ट्रेट का वो 2 साल का था। जब उन्होंने इंतहाई लगन से इंतहाई मेहनत से जो है ना वो एज ए जो जॉब है और मुलाजमत है मजिस्ट्रेट की वो की, उसका सिला उनको ये मिला कि जो वहाँ उस वक्त की गवर्नमेंट थी उन्होंने जब 2 साल का पीरियड ख़त्म हुआ तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को कहा आप इस पीरियड को ना और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और आपकी जो तनख्वाह है महाना 1500 रुपये से इसको ज़ायद कर देते हैं। तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहकर उनको जो है ना वो इनकार कर दिया कि मैं 1500 रुपये रोज़ाना कमाना चाहता हूँ, ना कि 1500 रुपये महाना मैं लेना चाहता हूँ, मैं 1500 रुपये रोजाना कमाना चाहता हूँ। तो वहां पे जो लोग बैठे हुए थे तो वो एक हैरान परेशान हो गए ये बात सुन के कि ये मोहम्मद अली जना क्या बात कर रहा है कि 1500 रुपये उस वक्त एक अमाउंट होती थी बहुत ज्यादा, वो थोड़ी अमाउंट नहीं थी उस वक्त प्री पार्टीशन के जो 1500 रुपये महाना वेजेस थी, लेकिन कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अपनी एबिलिटी पे अपनी काबिलियत पे इतना यकीन था कि वो कहते थे कि मैं रोजाना इतने पैसे कमाना चाहता हूँ। तो ये एक इंसान की अपने प्रोफेशन के साथ कमिटमेंट होती है, वो अपने उसको अपनी एबिलिटी पे अपनी सलाहियत पे इत्माद होता है और वो चाह पता होता है उसको कि मैं कि इस प्रोफेशन में किस हद तक किस बुलंदी पे जा सकता हूँ। बाद में आपने देखा ही है कि पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम चर्चा एज ए प्रोफेशन एज ए एडवोकेट जो है ना उनका सुनाई देता था। तो आप भी उन्हीं से इंस्पायर हुए कि आपको लगा कि मुझे भी एक दिन में इतने पैसे कमाने?
तरीके पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि कायदे और रहमतुल्लाह अलैह ने भी एज ए प्रोफेशन इसको अडॉप्ट किया, और सबरे पाकिस्तान जिसने पेश किया हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी जो है ना वो एज ए प्रोफेशन जो है इसको अडॉप्ट किया था। तो एज ए प्रोफेशन हमें इस बात का फख्र है कि हम उस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं जो हमारे कायदे ने किया, तो ये इंस्पायरेशन है हमारे लिए। हम इंस्पायर हुए इस बात से कि तहरीक पाकिस्तान को आजादी दिलाने वाले बंदे ने इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया, तो हम इस प्रोफेशन को इसलिए एज ए फख्री अंदाज में अपने आप को पेश करते हैं कि हम एज एडवोकेट हैं और हमने ये प्रोफेशन अडॉप्ट किया। नुसरत साहब, आप मुझे बताइएगा कि आपको किसने इंस्पायर किया कि आपने इतनी मैं समझती हूँ कि ये बड़ी फाइट करने वाली फील्ड है, सियासत करना आसान नहीं है, और एक खातून होकर आप जिस तरह जितनी जदोजहद के साथ और जितनी एक्टिव आप हैं, और आपके काम को कौन नहीं जानता, तो आप किससे इंस्पायर हुए? सबसे पहले तो तबिंदा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया, और यकीनन हम हमारी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है तो हम किसी फील्ड में आते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन एक आपकी अंदर से आती है कि आप अगर आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा है तो आपको किसी मकसद के लिए भेजा है। आप आए, आप जिंदगी गुजार के चले गए, आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं आप कह सकती है कि मतलब स्टूडेंट लाइफ से मुझे इस चीज़ का शौक था कि मैं एज अ सोशल वर्कर या एज अ पॉलिटिकल वर्कर अपना नाम बनाऊं, और ना सिर्फ नाम बनाऊं बल्कि अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा करके जाऊं कि अगर मैं दुनिया से चली जाऊं तो लोग मुझे अच्छे नाम से याद करें। तो मेरी ये इंस्पिरेशन थी जो मुझे इस फील्ड में लेके आ गई। तो जो पार्टी का इंतखाब आपने किया, तो ये सोच समझ कर किया था या इंसिडेंटली इस पार्टी में आ गई? नहीं, ये बिल्कुल सोच समझ के किया, और मेरी सारी जो फैमिली है वो मतलब शुरू से दादा बाप सब लोग जो है वो इसी पार्टी से का हिस्सा है, सपोर्टर है, वोटर है, तो मैं भी इसी, और सिर्फ ये नहीं कि वो फैमिली इस साइड पे आ रही है, आपने देखना ही होता है कि जो पार्टी है, जो आपके कायदीन है, वो आपके मुल्क के लिए कितने फायदेमंद है, वो आपके मुल्क की बेहतरी कर रहे हैं, वो आपके मुल्क के वेलविशर है, वो हिब्बे वतन है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो मैंने अपने कायदीन में देखी कि वो मुहिब्बे वतन लोग हैं, तो इसलिए मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ। गालिबन ये चौथी बार आपकी पार्टी इक्तदार में आई है, ये तो जी जरूर, तो आप क्या समझती हैं कि 76 साल तो पाकिस्तान को हो गए हैं, तो क्या डिलीवर किया आपकी पार्टी ने अभी तक? देखिए, बड़ा अजीब सा आपने क्वेश्चन किया, अगर आप किसी बच्चे से भी ये क्वेश्चन करेंगे ना तो वो आपको फिंगर टिप्स पे बताएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब जब आए उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, उसमें जो मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं वो तो शायद गिनवाई भी नहीं जा सकती, लेकिन उनमें जो आपका मुल्क जिन चीजों से तरक्की करता है, बदकिस्मती से हमारे कुछ मुहालफिन 4 साल ये कहते रहे कि रोड बनाने से तरक्की नहीं होती, मोटरवे बनाने से तरक्की नहीं होती, पता नहीं उन्होंने कहाँ पे सियासत सीखी, कौन सी किताबों में उन्होंने सियासत पढ़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जब कायद हमारे मियां नवाज शरीफ साहब का नाम लिया जाता है तो साथ ये नाम जुड़ते हैं कि पाकिस्तान में मोटरवेज का जाल बिछाया, रोड्स बनाए, पुल बनाए, सड़कें बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज लेके आए, लैपटॉप स्कीम लेके आए, खवातीन के लिए रोजगार स्कीम लेके आए, यूथ के लिए रोजगार स्कीम लेके आए, और इसको कॉपी करने की भी हमारे मुहालफी ने भरपूर कोशिश की, लेकिन अफसोस थे उनके अंदर वो जज्बा नहीं था मुहिब्बे वतनी का कि वो उसको जो है ना वो अच्छे तरीके से लॉन्च करते और इस मुल्क के लिए वो स्कीम जो है वो फायदेमंद साबित होती है, और इंशाल्लाह हम जब दोबारा आएंगे फिर हमारी वो सारी स्कीम होंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर तरक्की की राहों पे गामजन होगा। तो वैसे ये जो निगरान हुकूमत है ये कौन चला रहा है? निगरान हुकूमत चला रही है, और हमेशा से जो भी निगरान सेटअप आता है वो अपने जो भी उनके मामला होते हैं उसमें वो बाख्तियार होते हैं। सही, तो आप लोगों ने इतना कुछ किया तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, मैं समझती हूँ कि जब भी पाकिस्तान की तारीख को पढ़ा जाए तो सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है असगर सौदाई का नाम, तो फॉर्चुनेटली उनका ताल्लुक भी सियालकोट से है, तो असगर सौदाई के लिए 76 सालों में और आपकी पार्टी भी आई 4 बार इक्तदार में और बहुत सारे काम किए, तो असगर सौदाई के लिए कुछ किया नहीं गया? देखिए, मेरी बात सुनिए, इस तरह से आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक बहुत बड़ा नाम, और हमारे ये एक नाम नहीं और भी बहुत से बड़े नाम है, और यकीनन लेकिन ये सबसे बड़ा नाम है ना जिन्होंने पाकिस्तान को मतलब दे दिया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ऐसे लोगों का मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों का हर प्लेटफॉर्म पे जो है वो जिक्र करना चाहिए, उनको सराहना चाहिए, और जहाँ तक मुमकिन हो कि जैसे कि हमारे यहाँ पे एक मतलब सिस्टम है कि सिदारती अवार्ड या सितारा इम्तियाज से नवाजा जाता है, और बहुत सी जो हमारी हस्तियाँ उनको ऐसे उससे नवाजा भी गया है,
शायद कहीं पे कोई मतलब कह सकते हैं आपके कोई ऐसी वो भूल चुक किसी से हो गई कि कोई उनके साथ वैसे ना कर पाया जो उनका एक हक था, और वो यकीनन होना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल चुक है, मेरे ख्याल हर पार्टी के लिए बहुत बड़ी भूल चुक है। माँ को जो है वो सलाम पेश करते हैं और हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, तो अल्लाह ताला इस तरह के जो लोग हैं उनको दोबारा हमारी जो पाकिस्तान है उसमें ऐसी नामवर हस्तियां होनी चाहिए और पैदा हों ताकि आने वाले वक्त में भी ऐसे लोगों पर फख्र किया जा सके। नामवर हस्तियों का जिक्र हो रहा है तो सत्तार साहब आप मुझे ये बताइएगा कि कायद आजम का जो डील करने का तरीका था क्लाइंट को, तो जो दौरे हाजिर चल रहा है तो क्या वो बहुत मुख्तलिफ था? इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एज ए प्रोफेशन उनका जो क्लाइंट से कमिटेड कमिटमेंट होती थी ना, फॉर एग्जांपल अगर उनने केस ले लिया है तो क्लाइंट के साथ उनकी कमिटमेंट इस हद तक होती थी कि वो पूरे केस को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते थे कोर्ट में और जान लड़ा देते थे उस केस के लिए कि भाई मैंने ये मेरे क्लाइंट की जीत नहीं है, मेरी जीत होनी। तो ये उनका प्रोफेशन के साथ एक कमिटमेंट थी। मैं एक छोटा सा वाकया एक और कोट करना चाहूँगा कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह का। एक बिजनेसमैन उनके पास एक केस लेके आ जाता है कि मेरा मोहम्मद अली जना, कायद आजम तो बाद में बने, वो उस वक्त मोहम्मद अली जना के नाम से मशहूर थे पूरे हिंदुस्तान में। बिजनेसमैन ने उसे कहा कि मैंने मोहम्मद अली जना ये केस आप मेरा ले लें और मेरा केस कोर्ट में रिप्रेजेंट करें। इसमें कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं मेरी केस की जो फीस होती है वो पर पेशी होती है, यानी कि जितनी हेयरिंग होगी उस हिसाब से मैं जो है ना वो क्लाइंट से फीस लेता हूँ। उसने कहा कि आप कितनी फीस लेते हैं एक पेशी की, एक हेयरिंग की? तो कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं 500 रुपया एक पेशी की फीस जो है ना वो चार्ज करता हूँ अपने क्लाइंट से। तो उसने कहा कि मैं 5000 आपको पूरे केस की फीस दे देता हूँ। तो कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरा प्रोफेशन, मेरे मामला, मैं 5000 रुपये में आपका केस डील नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि वो केस प्रोलॉन्ग कर जाए, केस लंबा हो जाए और मेरी फीस पर पेशी 500 रुपये है और वो आपके पैसे पूरे ना हो, उसमें मुझे पैसे ज्यादा, मैं फीस लेता हूँ उस हवाले से। तो कायद आजम ने उसको केस से इनकार कर दिया। फिर उस ताजर के इसरार करने पर उस ताजर ने कहा कि आप 5000 रुपया केस की फीस रखें, अब अगर केस प्रोलॉन्ग कर गया यानी केस की पेशी ज्यादा हो गई तो मैं उस हिसाब से आपको जो है ना फीस अदा ज्यादा कर दूंगा। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने वो केस उस ताजर से ले लिया। अब हुआ ये कि वो कायद आजम ने अपनी अबिलिटी, अपनी सलाहियत की वजह से वो तीन पेशियों पे केस वो जो है ना विन कर गए, वो केस जीत गए उस ताजर का। अब होना तो ये चाहिए था कि 5000 उन्होंने वसूल कर लिए, वो अपने पास रख लेते। लेकिन मैं कहता हूं कि तारीख इन लोगों को इस तरह ही नहीं याद रखती, उनके वो कारनामे इस तरह के होते हैं कि वो तारीख में जिंदा जवेद रह जाते हैं। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने तीन पेशियों के 1500 रुपया वसूल किया और बाकी 3500 रुपया उस ताजर को जो है ना वो वापस कर दी। अब ताजर बड़ा हैरान हुआ कि ये वे कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, वो एज ए तोहफा उनको 3500 रुपया वो देना वापस करना चाह। लेकिन कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने आपसे बात की थी कि मैं 500 रुपया पर पेशी, पर हेयरिंग जो है ना वो अपनी फीस चार्ज करता हूँ, तो मैंने 1500 रुपये आपने रख ली है, बाकी 3500 रुपया जो मैं आपको वापस कर रहा हूँ। तो आप ये देखें कि ये एक प्रोफेशन की, एक प्रोफेशनलिज्म की जो है ना एक पीक होती है कि इंसान एक मैन ऑफ कमिटमेंट है कि उसने जो चीज अपने क्लाइंट से तय की है वो उसमें अमल की है। तो मैं समझता हूं कि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जिंदगी, होल जिंदगी आप देख रहे हैं कि उन्होंने पूरी प्रोफेशन, पूरी प्रोफेशनल लाइफ जो है ना वो इस तरह ही अपनी कमिटमेंट के साथ जो है ना वो गुजारी। तो अब तो वैसे गालिबन पर पेशी के हिसाब से डील नहीं किया जाता? नहीं, वो हर क्लाइंट की, हर केस की नोयत जो है ना वो मुख्तलिफ होती है। तो मैं इधर तो केस की पूरी, केस की फीस जो है ना वो चार्ज करते हैं, पर पेशी का इधर सबर नहीं है। लेकिन वो ये कि हर मामला था वकील के अपना अपना। जो उनका दौर रहा और जो अभी दौर चल रहा है, तो जो कानून साजी है इसमें रद्दोबदल भी हुआ? कानून साजी ये है कि हालात वाकयात के मुताबिक जब जब जो है ना वो वक्त गुजरता जाता है
तो आपका सिनेरियो, आपके मुल्क के मुआशरात, मुल्क की सोसाइटी, मुल्क के अदारे मुख्तलिफ जो है उसमें रद्दोबदल होता रहता है। उन रद्दोबदल के हवाले से जो है ना वो कानून साजी भी फिर उसमें चेंजिंग आती है। तो क्या आप समझते हैं कि ये पॉजिटिविटी की तरफ क्या या हमें कुछ? जी डेफिनेटली ये पॉजिटिविटी है, क्योंकि हालात वाकया के मुताबिक अगर आप कानून साजी नहीं करेंगे तो आप लोगों को रिलीफ नहीं दे सकेंगे ना। एक 100 साल पहले का कानून बना हुआ है उस वक्त के हालातों वाकयात के मुताबिक बना था, अब 100 साल बाद भी अगर उसी कानून को आप लागू करेंगे तो वो मुमकिन नहीं होगा। कानून में हालातों वाकयात के मुताबिक आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो ये अच्छी बात होती है, क्योंकि आप बेहतर यह है कि कानून में अमेंडमेंट करके अवाम को हकूक फराइज उनके 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 मुताबिक उनको जो है ना वो रिलीफ दिया जाए। अवाम के हकूक और फराइज की बात चल रही है नुसर साहिबा, तो ये जो जाते जाते आपकी हुकूमत एक बम ब्लास्ट करके गई है पेट्रोल का, तो ये क्या माजरा है? एक्चुअली ये बम जो है ना ये ना हमने ब्लास्ट किया, ये आप समझते हैं कि आपका फर्ज है? नहीं आप नहीं समझते हमारा फर्ज है। हमारा फर्ज इस वक्त रियासत को बचाना था और वो हमने बखूबी जो है ना हमारे कायदीन ने उसको पूरा किया, क्योंकि ये जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं इसके पीछे सारे जो महरकात है वो एक 4 साल जो इकतदार का दौर गुजरा, जिन्होंने 4 साल पहले भी कंटेनर पे जो शोर मचाया और उन्होंने इकतदार में आने के बाद भी कंटेनर वाला ही हाल रखा। उन्होंने मुल्क पे अपने फोकस नहीं किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने आवाम के लिए क्या डिलीवर करना है। उन्होंने जो भी मुआहदे किए उन्होंने ये पाकिस्तान के मफाद के पाकिस्तानी आवाम के मफाद के हक में नहीं किए हैं, तो वो जो सारा खमियाजा है वो हमें भुगतना पड़ा है। और लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि मैं अपने कायदीन को दाद देती हूँ कि उन्होंने अपनी सियासत दाव पे लगाई है लेकिन रियासत को बचाया है। ये तो आप दाद दे रहे हैं, आपको लगता है कि जो अभी भी आवाम की जो मोहब्बत और आवाम का जो जज्बा है और आवाम की जो दाद है वो आपकी पार्टी के साथ है? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारी आवाम जो है ना वो बड़ी बाखबर आवाम है और सोशल मीडिया का बाशऊर भी है और बाशऊर भी है वो। आप कुछ लोगों को शायद वक्ती तौर पर बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है लोगों के ऊपर से ना वो जो वो था ना एक क्या उसको कहना चाहिए, झूठा जो आपके बुलंद बंद जो दावे थे और वो जो नारे थे खोखले, उनका जो पर्दा है ना वो लोगों की अकल पे जो पड़ा था वो हट चुका है और लोग बखूबी समझ चुके हैं कि कौन क्यादत जो है वो इस मुल्क की जो है वो बागडोर संभालने के काबिल है और कौन इस मुल्क की खैर ख्वाह है और कौन वहीं पे वतन। आपने रियासत बचाओ का नाम लिया है कि हमने रियासत बचाने की कोशिश की और बचा ली है, तो मतलब आपको ये लगता है कि खान साहब जब एक कंटेनर में बंद हो गए हैं तो ये रियासत बच गई है? देखिए बात कंटेनर में बंद होने की नहीं, बात ये देखना है कि आप मतलब इक्तदार में आने के बाद और इक्तदार में आने से पहले आपको ये फर्क नहीं पता कि आप इक्तदार में आने से पहले क्या थे और इक्तदार में आने के बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और आपने सिर्फ आवाम को और खसूसन मैं समझती हूँ कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको आपने बदअखलाकी बदतमीजी का एक सबक पढ़ाना शुरू किया हुआ था। और ये जो हमारा मुआशरा है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं, तो हमारा जो मुआशरा किसी सूरत की चीज़ें कबूल नहीं करता। तो ये मैं समझती हूँ कि अगर उनको वो बंद हुए हैं तो एटलीस्ट आप देखिए मेरी बात सुने, खुशी मनाना या इन चीज़ों पर खुशी का इजहार करना मैं समझती हूँ कि एक वो मतलब इंसानियत का वो तकाजा भी नहीं, हलाक का तकाजा भी नहीं, लेकिन अगर वो इंसान के अगर उसको बोलने से रोक दिया जाए कि जो आपको या आपके मुल्क को या आपकी आवाम को जो है वो बद अखलाकी सिखा रहा है, बद तहजीबी सिखा रहा है, बदतमीजी सिखा रहा है, तो मैं समझती हूँ कि ये फिर उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। लेकिन जो उन्होंने काम की एक सेहत कार्ड बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, तो उसको क्यों रोका गया? मतलब एक अच्छा काम था मेरा ख्याल है तो। अच्छा वो ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ जो है ना वो सामने आती हैं। शायद पिछले 8-10 साल में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ, बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ। मैं मतलब इस चीज़ की खुद गवाह हूँ कि सेहत कार्ड खान साहब ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, सही। ये बेसिकली हमारी ही जो है वो है इजाद है, ये बहुत पहले मियां नवाज तोशा खाना की घड़ी को नहीं चुराया, आपके आइडियाज को भी चुरा लिया जी। और पूरी कोशिश की, लेकिन देखिए जो अच्छे आइडियाज है अगर आप उनको चुरा के अगर आवाम की बेहतरी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन जब आप आवाम को बेरारवी बद अखलाकी बद तहजीबी का सबक पढ़ा रहे हैं और आप अपने मुल्क की तोड़ फोड़ करना सिखा रहे हैं, आप अपनी जो आपकी खसूसी तौर पे जो हमारी एहसास जो हमारे इदारे हैं उनके अमलाक को नुकसान पहुंचाना सिखा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे इंसान के लिए या ऐसे इंसान के साथ जुड़े लोगों के लिए आप मुहिब वतन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते।
हमारे साथ कानून दान भी है। सतार साहब मुझे ये बताइएगा कि जब रियासत में आपको, क्योंकि स्टेट का ये फर्ज होता है ना कि अपनी आवाम को सहूलियात देना, और जब उन वो लगे कि उनको आवाम को लगे कि हम इन सहूलियात का फुकदान है हमारे यहाँ और हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, तो कानून क्या कहता है कि आप अपना हक कैसे ले सकते हैं, और अगर उसके लिए आवाज़ बुलंद की जाए तो वो कहाँ हद, किस हद तक वो बेहतर है और किस तरह से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? इसमें ये है कि कानून तो हर लिहाज से मौजूद है ना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। अगर कोई अफेक्ट है, कोई बंदा किसी हवाले से किसी अदारे से नाला है, उसके साथ वैसे कोई जुल्म ज्यादती हो रही है, तो उसका कानून मौजूद है। वो अपनी एप्लीकेशन, अपनी दरख्वास्त किसी फोरम पे मूव करे, उसकी दादरसी भी होगी और कानून उसको तहफ़ भी फराहम करेगा। अब कानून जो है ना, वो घर बैठे किसी को तहफ़ तो फराहम नहीं कर सकता ना। अगर कोई बंदा कोई इस मामले में किसी वजह से कोई उसके साथ इशू है, कोई कोई थाने कचहरी का मामला है, तो वो उसके उसको उस फोरम के पास आना पड़ेगा। उस फोरम के पास जाए, अपनी दादरसी के लिए कोई एप्लीकेशन मूव करे, कोई दरख्वास्त दे, तो कानून उसका तहफ़ करेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि कानून तो मौजूद है, लेकिन कानून सोए हुए बंदे को इंसाफ नहीं दे सकता। लेकिन लगता नहीं है कि कानून भी सोया हुआ है? मैं ये बात नहीं समझता। असल में माशरे में बहुत सारी कहानियां हैं आपके सामने कि बहुत सारे लोग कानून का दरवाजा खटखटाते हैं, मायूस होकर वापस आ जाते हैं। लेकिन मायूसी तो वैसे ही गुनाह है। तो हाँ, कमी कुताही किसी भी इदारे में हो सकती है, इंसाफ में ताहीर हो सकती है, लेकिन इंसाफ इंसाफ मिलता है लोगों को, जरूर है। अदालतों में लोग आते हैं, लोगों को रिलीफ भी मिलता है, लोगों को इंसाफ भी मिलता है। हाँ, उसमें कुछ बाद इंतजामी कह लें कि कोई डिलेइंग फैक्ट्स कह रहे हैं, कोई डिले हो जाता है मामला में, कोई डिले कोई अदालतों की वजह से हो जाता है, कोई दूसरे मामला की वजह से हो जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अल्टीमेटली इंसान को उसी फोरम पे आना पड़ेगा, जिस फोरम पे उस पर शिकायत है उस फोरम में आएगा, वो इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, उसको दादरसी भी उसकी होगी, तो इदारे मौजूद हैं, कानून मौजूद है, तो कानून के तहत ही सब ने चलना है। कोई भी मुल्क कानून के बगैर तो चल नहीं सकता। तो हर मुल्क जो है ना, वो कानून के रियासत जो है वो कानून के ताबे होती है, तो पाकिस्तान की रियासत भी कानून के ताबे है। तो कानून के अमल दरामद सिर्फ जो है ना, वो उसमें कोताही हो सकती है, लेकिन अमल दरामद अल्टीमेटली होना ही होता है किसी बात। नुसरत साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो महंगाई का जिन पे काबू हुआ हुआ है, और ये आपके जो पार्टी का दौरे हुकूमत रहा तो उसमें ये बहुत पीक पे गया, और अभी अभी ये जो है वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, तो इससे आम बंदा तो चले इफ़ेक्ट हुआ ही है, लेकिन जो बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहे थे वो भी इफ़ेक्ट हुए हैं। तो ये कब तक ये आवाम पर ये बोझ पड़ेगा, या मतलब कि बहुत जल्द इसका कोई हल निकलेगा? देखिए, वही बात मैं फिर दोहराऊंगी कि जो ये महंगाई का जिन भी काबू है, ये मतलब आप जैसे जो मीडिया पर्सन है या हमारी, मैं समझती हूँ कि हमारी पूरी आवाम जो है वो इस बात के बाशऊर है, बाखबर है, और सोशल मीडिया का दौर है तो सब जानते हैं कि महंगाई का जिन बिला वजह बेकाबू नहीं हुआ। ये IMF के जो मुआदे किए गए और ये सोचे समझे बगैर शरायत जो है वो मानी गई कि आने वाले वक्त में आवाम को किस मुसीबत से गुजरना पड़ेगा, ये उसका नतीजा है। और फिर अब इसको सब भुगत रहे हैं, इसमें चाहे आप आम तबका कह लें, खास तबका कह लें, हर कोई इसका शिकार है। तो अब उसकी उसके लिए एक ही सूरत हाल बाकी है कि आने वाले वक्त में जब इलेक्शन हो और पाकिस्तानी कौम ऐसे कायदीन को या ऐसी पार्टी को मुंतखब करे जिनको वो समझते हैं कि वो इस चीज पे काबू भी पा सकते हैं, और सबसे जो बड़ी बात है कि वो पाकिस्तानी अवाम के खैरवा हैं, पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, उनका कोई मगरबी एजेंडा नहीं है, उनको कोई मगरबी फंडिंग नहीं है। लेकिन रह वो मगरब में रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, रह वो मगरब में इसलिए रहे हैं कि यहाँ पे वही बात आ गई, हमारे साथ भाई हमारे कानूनदान बैठे हैं, अब वो बात फिर अदालतों की तरफ चली जाएगी। तो उन्होंने भी बात की कि अदालतों में भी नहीं इतना रिलीफ तो दे ही देता है हमारा कानून के चले मगरिब में जाके रह ले। नहीं, देर सवेर सारा कुछ होता है, तो हम किसी इदारे पे बात नहीं करते हैं। हमें अल्लाह ताला के घर से पूरी उम्मीद है कि हमारे जो कायद है ना, जिनको जाके मगरिब में रहना पड़ रहा है, इंशाल्लाह इन अदालतों से उनको इंसाफ मिलेगा और वो वापस आए। वैसे ये बड़ी एक दर्दनाक बात भी है कि आप मुहिब्बुल वतन हो फिर आपको वतन छोड़ के रहना पड़े, बहुत दर्दनाक बात है। आप मुझे ये बताइए कि उनकी आमद कब तक मतवक्का है?
देखिए सबसे बड़ी बात, अगर आप मुझसे पूछें तो एज अ पार्टी वर्कर मैं तो ये चाहूंगी कि हमारे कायद आज हमारे दरमियान मौजूद हो। हमारे लिए तो इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं, बल्कि मैं क्या जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं, कायदीन हैं, साथी हैं, उनके सब सब इस इंतजार में बैठे हैं। लेकिन सबसे जो मेन चीज है कि ये कायद का फैसला है और हमारी क्यादत का फैसला है, और वो बेहतर समझते हैं कि किस वक्त पे कौन सा जो फैसला है वो पार्टी के लिए बेहतर है। कायदीन इस चीज का जो भी फैसला करेंगे हमारी सर आंखों पे, और सुनने में भी आ रहा है कि सितंबर में उनकी आमद जो है वो मतवक्का है। इलेक्शन को कहाँ देखती हैं? देखिए इलेक्शन ये मेरा ख्याल है कि अपने टाइम से ही होंगे, शायद कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैंने देखा है कुछ हल्का बंदियों का कोई थोड़ा सिलसिला जो है वो है, उसकी वजह से मे भी कोई 2-3 माह उसको इल्तवा में डाला जाए कि वो हल्का बंदियों वाला मामला तय हो जाए और उसके बाद इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। सितार साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि कायदे आज़म का एक कानून के साथ जो एक ताल्लुक था वो तो था ही, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो उनकी काविशें थीं वो पाकिस्तान सिर्फ उन्होंने सिर्फ अपने लिए तो नहीं बनाया ना, हम सबको एक तोहफे के तौर पर देखेंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हमने हालात को उस वक्त को देखें तो आज के वक्त को देखें तो जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, हमने बड़ा गर्क किया या मतलब हमने संवारा है इसको काफी हद तक? इसमें यह है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के दो पहलू थे, मेरी नज़र में दो पहलू थे। एक तो उनकी पेशा वाराना लाइफ है एज ए लॉयर, एज ए एडवोकेट जो इन्होंने गुजारी, और एक कायदाना सलाहियत है जो उनकी कायदाना लाइफ थी, जो कायदे आज़म पूरी दुनिया में वो मशहूर है। पेशा वाराना लाइफ का मैंने आपके सामने उनके जिंदगी के जो है ना वो वाकियात को बयान किया है। कायदाना सलाहियत थी जो उनके उनके दरमियान, वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी। आप देखें कि पूरी कौम को एक यकजा करना, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, ये किसी आम आदमी का काम नहीं। पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी एक लीडर की शख्सियत पे अगर कौम इकट्ठी हुई तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह है। अगर किसी किसी को कोई एतराज नहीं था तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत थी। उन्हीं कायदाना सलाहियतों की वजह से उन्होंने नजरिया पाकिस्तान पेश किया, फिर उसी नजरिए पाकिस्तान को बेस बनाकर उन्होंने आज़ादी की तहरीक शुरू की। उस आज़ादी की तहरीक में फिर साथ साथ लोग शामिल होते रहे, मुख्तलिफ अल्लामा इकबाल दूसरे कायदीन जो है ना वो जो तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा थे वो कायदे आज़म के शाना बशाना शामिल होते रहे। ये उसी वक्त ही मुमकिन होता है जब जो लीड करने वाला है, जो उस काफिले की क्यादत करने वाला है, वो ईमानदार हो और उसके अंदर लोगों को इकट्ठा करने की सलाहियत हो। तो मैं ये समझता हूँ कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास वो सारी खूबियाँ, वो सारी सलाहियतें मौजूद थी कि पूरे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम कायदीन थे वो उनकी छतरी के नीचे इकट्ठे हो। उस इकट्ठे होने का एक फ़ायदा ये हुआ कि जो तहरीक आज़ादी की मूवमेंट थी वो आस्ता आस्ता कामयाबी की मंजिल की तरफ चल पड़ी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी खूबी है, उनकी कायदाना सलाहियतें हैं कि जिन सलाहियतों के बल बोते पे हम आज जो है ना वो 14 अगस्त जश्न आज़ादी मनाते हैं। तो वो किसी शायर ने वो मिली नगमा भी है कि यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हैरान। तो अभी वाकई में हम हैरान हो चुके हैं। वैसे ये हैरान करने वाली बात थी कि वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ी बड़ी स्पीच में एक थोड़ा तकरीर थी, उन्होंने कहा कि मैंने अपना काम कर लिया है, अब कौम का काम है कि इस कश्ती को जो है ना वो बंबर से निकाल कर मंजिल की तरफ ले जाए। तो हम किस तरफ आए? देखिए उन्होंने तो हमें आजादी दिला दी अंग्रेजों से, हिंदुस्तान हिंदुओं से हमें आजादी दिला दी, हम एक आजाद वतन जो है ना तोहफे के तौर पर दे दिया। लेकिन बदकिस्मती ये हुआ कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के विसाल के बाद हमारे मुल्क में इशराफिया की हुकूमत, इशराफिया के जो है ना वो इशराफिया जगीरदार और इशराफिया ने इस मुल्क को जो है ना वो जकड़े रखा, जिसकी वजह से आज ये हुआ कि हम जो मंजिलें जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह का हाथ था तरक्की का इस मुल्क के लिए, वो बदकिस्मती से हम वो शर्मिंदा तबीर ना हो सके। तो हम आज ये इस बात का अफसोस भी है और हम कायद से इस बात पे शर्मिंदा भी हैं कि जिस हाब की वजह से उन्होंने ये हमें आज़ाद वतन दिया था, वो आज़ाद वतन आज दूसरों के टुकड़ों पे, दूसरों के मुल्कों के रहम करम पर हम अपनी जिंदगी गुजार कर मजबूर। हालांकि वसाइल की कोई कमी नहीं है। आखिरी सवाल आपसे करेंगे और फिर इजाज़त लेंगे। मुझे ये बताइएगा
जैसे कि सब पार्टीज का एक ही स्लोगन है, वो नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, रोटी कपड़ा मकान, मतलब कि अवाम की बेसिक सहूलियात पर बात की जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा गमजदा और सद अफसोस बात यह है कि 76 साल गुजरने के बाद भी आज भी हम बुनियादी सहूलतों का बहरान जो है और फुकदान जो है वो हमें फेस करना पड़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि अवाम को अभी तक शऊर नहीं आया, या अब अवाम बाशऊर है लेकिन उसके इख्तियार में कुछ नहीं है? अवाम तो बाशऊर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसको ऐसा रहनुमा और कायद अभी तक मुयस्सर नहीं शायद आ सका जो इनको लेकर, या बार बार इदारों को, डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को कमज़ोर किया जाता रहा, बार बार मुल्क के अंदर मार्शाला और जो है इंटरवीन करता रहा, और जो जिसकी वजह से कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी जमहूरी हुकूमत जो है ना वो अपना टेन्योर जो है ना पूरा ना कर सकी, जिसकी वजह से आप देखें, हम थोड़ी सी मिसाल अपने हमसाया मुल्कों की देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ, वहाँ आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन जो है, इदारे जो है ना वो मजबूत है, जमहूरियत मजबूत है, वहां पर कभी भी जमहूरियत को जो है ना वो डीरेल नहीं किया गया, यानी उसको चलने दिया गया है। जब किसी जमहूरियत को आप चलने देते हैं ना, तो बुरे लोग जो है ना वो आस्ता आस्ता उस पटरी से उतरते जाते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं, जो मुल्क की बागडोर संभालने के काबिल होते हैं, वो मुल्क को आस्ता आस्ता आगे लेकर चलते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क को चलाने के लिए जमहूरियत बहुत जरूरी है। जमहूरियत है, मुल्क को पार्लियामेंट को 5 साल पूरे करने देनी चाहिए, मुल्क आगे चलता रहना चाहिए, लेकिन जब भी कोई मार्शाला कोई इंटरवीन होती है इस तरह की, तो मुल्क एक स्तम फिर जो है ना वो बैक गियर लग जाता है उस मुल्क को। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के जो है ना वो तरक्की करे, और इस मुल्क में जमहूरियत का बोलबाला हो, और जमहूरियत के बलबोते पर जिस तरह दूसरे मुल्कों में जमहूरियत है, हमारे मुल्क में भी जमहूरियत हो, और अपने टनेओर हर आने वाली गवर्नमेंट अपनी जो है टनेओर पूरा करे, और नई आने वाली गवर्नमेंट को भी चलने दिया जाए ताकि वो अपने टनेओर को पूरा कर सके, और अल्लाह ताला इस मुल्क को कामयाब करे। प्रोफेसर साहब मुझे ये बताएगा, जैसे कि सतार साहब ने बात की कि अवाम को शऊर है, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि अवाम तो 76 सालों से अवाम तो वही है ना, हम चलते आ रहे हैं, तो अवाम को शऊर है लेकिन शायद कोई ऐसा लीडर नहीं मिला, या फिर पता नहीं क्या वजूहात हैं, वो आप हमें बताएं कि अभी तक हम बेसिक सहूलियात से नहीं निकले तो हम कहाँ ग्रो करेंगे, कहाँ? अगर हमसाए मुल्क की बात की जाए तो उससे अगर उनके इकोनॉमी को देखें तो वो बहुत स्ट्रांग है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ अपने भाई की ना एक बात से, कि हमारे मुल्क में ना जमहूरियत को परवान नहीं चढ़ने दिया जाता। ऐसी बात नहीं है कि लीडर नहीं मिला, वही बात कि जब भी कोई जमहूरी तरीके से लीडर मुंतखब होके आया तो माशाल्लाह के जरिए उसका रास्ता रोक दिया गया। तो जमहूरी अमल में जो है वो तरक्की होती है, आपके मुल्क की बेहतरी होती है, आपकी मुआशरत जो है वो तरक्की करती है, लेकिन जब माशाल्लाह आ जाती है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी स्टक हो जाती हैं। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी एक ज़रूर, इसको मेरा पैगाम समझिए या आप ये समझिए कि मैं ज़रूर अपनी एक राय देना चाहूँगी कि हम हमेशा हर चीज़ का जो इल्ज़ाम है वो हुकूमतों पर डालते हैं। हमें बहसियत मुसलमान, वो मैं इसलिए कहूँगी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और बहसियत पाकिस्तानी, क्या हम कभी हमने अपना ये वो क्या कहना चाहिए सोचा है कि अपने गिरेबान में झांका है कि हम बहसियत पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी शहरी और एक इंसान होने के नाते अपने फ़राइज वाकई तक ईमानदारी और पूरी कमिटमेंट से जो अंजाम दे रहे हैं? मतलब आप देखें कि अवाम यकीनन बाशऊर है, और मैं सिर्फ यही एक दरख्वास्त भी करना चाहूँगी अपनी अवाम से, और खसूसी तौर पर आपके इसी प्रोग्राम की वसादत से अपनी खवातीन, माएँ, बहनें, खसूसन माओ से, कि अगर माएँ चाहें ना तो ये पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। सिर्फ क्या है कि उन्होंने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि वो अपने बच्चे की जो तरबियत है ना वो खालिस्तान इस्लाम के सुनों पर करें, उनको सच्चा मुसलमान बनाएं, उनको ईमानदार फर्शनास पाकिस्तानी बनाएं, पाकिस्तान पे मर मिटने वाला शहरी बनाएं, और उनको सिफारिश रिश्वत के बगैर कामयाब होने का रास्ता दिखाएं, तो आप यकीन जाने दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की हवा की तरफ मेरी आंख से नहीं देख सकती। नाज़रीन, ये बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम रहा, कायदे आज़म के हवाले से हमें बहुत सारा जो है वो मुस्तफी बातों से मुस्तफीद हुए, उनके हमने सुने कि वो किस तरह के कानून दान थे और कितनी
मेहनत के साथ अपना काम करते थे और कितनी लगन के साथ अपना काम करते थे। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अब्दुल सत्तार साहब आपका, नुसर जमशेद साहब आपका बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल हुए। और बात वही है कि आवाम बाशऊर है और नुसर जमशेद साहबा ने कहा कि अगर हर बंदा अपने अपने फ़राइज़ को अंजाम दे कि खुद देखे। लेकिन एक बात इसमें यह भी मैं ऐड करती चलूँ कि आज हमें 76 साल हो चुके हैं और हम पर इतना बोझ डाल दिया गया, इतना बोझ डाल दिया गया कि इनफरादी हैसियत से भी अगर हम कुछ करना चाहें तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। लेकिन ये हमारा मुल्क है, ये हमारा वतन है और ये हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। हम इसके लिए दुआगो हैं और पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी और ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन देखना ये है कि हमारे वोट की जो ताकत है वो नो डाउट के बहुत बड़ी ताकत है। हमने ये करना है कि अब हम कुछ ऐसे फैसले करें, इतने जानदार फैसले करें कि आने वाली नस्लें हम पर जो है वो नाज कर सकें, जैसे कि हम अपनी पहले के जो लोग थे उन पर नाज करते हैं कि उन्होंने हमें एक मुल्क दिया, तो ऐसे ही वो भी हम पर नाज कर सकें कि हमने सिर्फ मुल्क नहीं दिया बल्कि मुल्क में एक तर्ज़ ज़िंदगी भी दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद अल्लाह हाफिज़।